ये है ग्लॉक 17 जेन फोर सी ओ टू पावर्ड एयरगन काफ़ी इंटरेस्टिंग एयरगन है इस वीडियो में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एयर राइफल के बारे में बताने वाला हूँ यह है डाइना स्टॉम राइडर पी सी पी पॉइंट वन सेवन सेवन कैलेबर का एयर राइफ़ल है इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और यह सी ओ टू पावर्ड भी नहीं है ये बेसिकली एयर प्रेशर से चलता है मैक्सिमम फिलिंग प्रेशर इसका तकरीबन टू हंड्रेड बार है ये एक एक्सेलेंट एयर राइफ़ल है एम प्रैक्टिस के लिए एकदम परफेक्ट है वैसे तो ये जो एयर गन्स है और जो एयर राइफल्स है इनके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लेकिन इन्हें आपको एज अ रियल गन की तरह ट्रीट करना है जो सेफ्टी प्रोसीजर्स आप फॉलो करते हैं रियल गन के साथ में वही सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी आपको फॉलो करना है चलिए सबसे पहले मैं आपको फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ तो ये इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आता है डायना स्टॉम राइडर स्कोप और पंप भी मेरे पास है वैसे जो एयर है पंप के ज़रिए आपको इसमें फिल करना है तो चलिए ये जो बॉक्स है इसे मैं खोल देता हूँ और बॉक्स पर ही आपको जो प्रोडक्ट है इसके बारे में डिटेल्ड स्पेसिफिकेशंस मिल जाएगा जो की हाईलाइट है वो यहाँ पर दिया हुआ है बोल्ट एक्शन मैकेनिज्म के साथ में आता है और इसमें 11 एम एम रेल दिया हुआ है प्लस मैगजीन uh, भी दिया हुआ है और जो रियर साइट है ये एडजस्टेबल है ये मैनुअल सेफ़्टी के साथ में आता है ट्रिगर के लिए एक लॉक दिया हुआ है और इसमें आपको पैल्ट यूज़ करना है ये जो पी एयर राइफल्स होते हैं ये कॉम्प्रेसड एयर का उपयोग करते हैं बहुत ही पावरफुल होते हैं और काफ़ी एक्यूरेट होते हैं जैसे कि मैंने कहा एम प्रैक्टिस के लिए ये एकदम परफेक्ट है तो इस राइफ़ल में नीचे की तरफ सिलेंडर है जहाँ पर जो कम्प्रेसड एयर है उसे स्टोर किया जाता है और एयर पंप का उपयोग करके जो एयर है उसे फिल करना है तो ये लीजिए बॉक्स को मैं खोल देता हूँ बॉक्स के अंदर जो प्रोडक्ट है उसे इस प्रकार से पैक किया हुआ है राइफ़ल प्लस साथ में आपको पैलेट्स भी मिलता है एंड साइट प्लस मैगजीन भी दिया हुआ है ये ड्रम शेप का मैगजीन है और एक स्पेशल टाइप का नोज़ल भी दिया हुआ है तो सबसे पहले ये देखिए यह है राइफल काफ़ी बढ़िया दिखता है फिनिशिंग भी काफ़ी बढ़िया है ये एलेवन एम एम प्रिजम रेल के साथ में आता है साइलेंसर दिया हुआ है एडजस्टेबल माइक्रोमेट्रिक साइट के साथ में आता है जो बट प्लेट है ये रबराइज है ये है पैलेट्स एक पूरा बॉक्स दिया हुआ है और यह मैगजीन स्पेशल टाइप का मैगजीन है जिसमें आप पैलेट्स डाल सकते हैं बोल्ट मैकेज़म दिया हुआ है आपको बोल्ट एक्शन करना है इससे मैगजीन में जो पैलेट्स है ये लोड हो जाएंगे और जो गन है ये फायरिंग के लिए भी तैयार हो जाएगा और ये कुछ अटैचमेंट्स दिया हुआ है जो कि अगर आपको स्कोप लगाना है तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं और ये जो नोज़ल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके ज़रिए आप जो गन है इसमें हवा भर पाएंगे ये है राइफ़ल वैसे ये इतना हैवी नहीं है एक हाथ से आप इसे आसानी से उठा पाएंगे ऊपर इस प्रकार का साइलेंसर या फिर सप्रेसर कह लीजिए उस प्रकार का सिस्टम दिया हुआ है और ये जो नीचे का भाग है यहाँ पर जो कंप्रेस्ड एयर है वो स्टोर होता है और ओवरऑल जो शेप है काफ़ी बढ़िया है काफ़ी कंफर्टेबल ग्रिप आपको मिलता है और एम के लिए भी काफ़ी अच्छा है ये है इसका ट्रिगर ट्रिगर के लिए ये स्पेशल लॉक दिया हुआ है आप बेसिकली इसे प्रेस कर सकते हैं और इस प्रकार से जो ट्रिगर है ये लॉक हो जाता है सिंपल मेकानिज़म है लेकिन मैनुअल ऑप्शन है तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है ये देखिए ये है बोल्ट मेकानिज़्म आपको इस प्रकार से इसे पीछे पुल करना है वैसे ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है बहुत ही आसानी से हो जाता है और वैसे भी ये जो एयर राइफल है दूसरे एयर राइफल्स के कंपैरिजन में काफ़ी अलग है ज़्यादा करके एयर राइफल्स जो आपने देखा होगा उसमें आप एयर राइफ़ल को बेंड करते हैं और इस प्रकार से फिर उसमें जो पैलेट है वो डालते हैं एंड फिर शूट करते हैं तो यहाँ पर वैसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंदर प्रेशरइज़्ड एयर है तो इस एयर राइफ़ल को आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसमें जो पैलेट्स है इंडिविजुअल पैलेट्स आप डाल सकते हैं एंड शूट करें और दूसरा ऑप्शन है जो मैगजीन दिया हुआ है उसे यूज़ करके मैगज़ीन से आपको तकरीबन नाइन शॉट्स मिल जाते हैं बेसिकली जो मैगजीन है ऑटोमेटिकली घूमता है और जो नेक्स्ट पैलेट है वो लोड हो जाता है और जो मैगजीन है इसमें पैलेट डालने का भी एक तरीका है जिसके बारे में जानकारी मैनल में दिया हुआ है ये जो पी सी पी राइफल है प्री चार्ज एयर राइफ़ल ये राइफल्ड बैरल के साथ में आता है इसमें आप 1.77 कैलिबर का जो पैलेट है ये यूज़ कर सकते हैं इसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है इसका वजन तकरीबन 2.3 पॉइंट के आसपास है ओवरऑल लेंथ इतना ज़्यादा नहीं है तो इस राइफ़ल के साथ में प्लस ये जो एयरगन है इसके साथ में मैंने रेंज प्लस एम टेस्ट किया था तो इसके लिए मैंने कुछ टारगेट को प्लेस किया था 45 फाइव टू फिफ्टी मीटर्स के आसपास और उतनी दूर से मैंने पहले तो ये जो गन है एयरगन सी ओ टू एयरगन इससे मैंने टारगेट को एम लिया और शूट करने की कोशिश की ये जो गन्स हैं बेसिकली इनका जो रेंज है ये टेन मीटर्स के आसपास परफेक्ट है उसके बाद में क्योंकि इसमें बीबीज़ यूज़ होता है बीबीज़ राउंड कलर का होता है और जब बीबीज़ फायर करते हैं तो एनवायरमेंटल कंडीशन प्लस जो हवा है उसके बेसिस पर अगर टारगेट काफ़ी दूर है तो जो बीबीज़ है वो इतना स्ट्रेट नहीं जाने वाले हैं एक तरह से कर्व लेने वाले हैं तो वैसा ही यहाँ पर हुआ टारगेट काफ़ी दूर है फोर्टी टू फिफ्टी मीटर्स के आसपास और वहाँ तक तो ये जो बीबीज़ है मैं देख पा रहा था कि वो जा रहा था लेकिन टारगेट को हिट नहीं कर रहा था एक भी टारगेट हिट नहीं हुआ था जबकि मेरा एम काफ़ी अच्छा है और जब मैंने ये एयर राइफ़ल यूज़ किया तो पहली ही बार जो टारगेट है उस पर निशाना लग गया वैसे ये जो एयर राइफल है इसमें पैलेट्स है और पैलेट्स का जो शेप है आप देख सकते हैं कि एक तरह से पॉइंटेड टाइप है तो इसके कारण जो पैलेट्स है बहुत ही स्ट्रेट जाते हैं वैसे ये जो एयर राइफल है ये काफ़ी पावरफुल है ये जो एयर गन है इसका स्पीड है तकरीबन 114 मीटर्स पर सेकेंड और जो एयर राइफल है इसका स्पीड है तकरीबन 320 ट्वेंटी मीटर्स पर सेकेंड इससे ही आप समझ गए होंगे कि जो एयर राइफल है ये कितना ज़्यादा पावरफुल है लेकिन मुझे लगता है कि 75 फाइव मीटर्स से लेकर 100 मीटर्स तक इसका रेंज हो सकता है मतलब कि उस डिस्टेंस तक जो पैलेट्स है ये स्ट्रेट जाएंगे उसके बाद में हो सकता है कि जो पैलेट है ये कर्व करना शुरू करें तो अगर आप एम प्रैक्टिस करना चाहते हैं उसके लिए ये जो राइफल है बहुत ही बढ़िया है काफ़ी पावरफुल है और इसकी जो एक्यूरेसी है एकदम परफेक्ट है हैंड पंप का उपयोग करके मैं इसमें हवा भर रहा था और जो राइफल है इसके नीचे भी एक गॉश दिया हुआ है जहाँ से आपको पता चल जाता है कि जो एयर है उसका जो प्रेशर है वो कितना है तो ग्रीन टू रेड का जो इंडिकेटर है उसके बीच में आपको लेके जाना है ऑलमोस्ट रेड को टच करते हुए भरने के लिए तकरीबन एक मिनट से दो मिनट का टाइम लग जाता है और एक बार आपने इसमें हवा भर दिया तो तकरीबन 40 शॉट्स आपको मिल जाते हैं उसके बाद में आपको फिर से रिफ़िल करना पड़ेगा और मान लीजिए आपने इसमें हवा भर दिया है और आप ये जो एयर राइफ़ल है इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी मंथ्स या एयर्स तक इसमें जो हवा है वैसे का वैसा ही रहने वाला है लीक नहीं होने वाला है तो ओवरऑल ये बहुत ही बढ़िया राइफ़ल है एयर राइफ़ल टारगेट प्रैक्टिस के लिए और सी ओ टू गन्स के कंपैरिजन में ये काफ़ी अच्छा इसलिए भी है क्योंकि ये एक तरह से वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एयर से चलता है ये जो एयर राइफ़ल है इसके लिए भी आपको लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये पॉइंट वन सेवन सेवन कैलिबर का है तो ये जो एयर राइफ़ल है ये आपको कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए देखते रहिए